लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं संभव कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। बीजेपी स्थापना दिवस पर यमुना नदी की सफाई अभियान चला रही है। यमुना नदी की सफाई अभियान इसलिए जरूरी है कि 1400 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद, यमुनोत्री से 1400 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद मात्र 2% दिल्ली को टच करती है और 75% यमुना गंदा है। 2018 से लेकर 2021 के बीच में 200 करोड़ रुपया खर्च किया गया और 25 साल से तकरीबन हजारों करोड़ जो केंद्र सरकार में थी 25 करोड़ रुपया खर्च किया गया, उसके बाद भी यमुना इतनी गंदी है। दूसरा नंबर, यमुना दिल्ली की देश की राजधानी में है, अगर यमुना गंदा होगा तो यहाँ की पॉल्यूशन जो है लोगों को प्रभावित करेगा। मैं यहाँ से बात करूँगा, हमारे साथ हैं मयूर विहार जिला के। इसके अलावा आप हमारे साथ स्वच्छता अभियान, लेकिन स्वच्छता अभियान के बाद भी करोड़ खर्च होने के बाद भी यमुना की हालत नहीं हुई। निश्चित तौर पर आज जो यमुना की देख रहे हैं उसे देखकर तो रोना ही आ रहा है। यमुना उसे सबको ही पता है कि कब से यमुना का दोहन हो रहा है और इस नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपया सरकारें लगा चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय अंगवाड़ा, इसके अंतर्गत इतना सब दिल्ली के अंदर जितने भी घाट है उन पर इस प्रकार का कार्यक्रम रखा है। 14 जिलों में एक ही समय पर अलग अलग घाटों पर यमुना स्वच्छता कार्यक्रम रखा है। केजरीवाल जो दिल्ली का मुखिया है उसने बेशर्मी की हद को पार कर लिया। वो बार बार कहता है कि यमुना स्वच्छ होगी, ये वाला चुनाव भी इसी बात पर जीता, लेकिन आप देखिए कि यमुना किस प्रकार से एक नाले का रूप परिवर्तित हो चुकी है। और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता स्वच्छता के लिए यहाँ पर सांकेतिक कि भाई कम से कम हम रोज नहीं तो अखवाड़ा बनाकर इस प्रकार से कई बार यहाँ घाटों की सफाई का कार्यक्रम रख चुके हैं और यमुना माँ की आरती का कार्यक्रम भी सब ने रखा है। मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब जानेंगे कि इस अभियान के बाद आप फाइनल कार्यक्रम क्या कर रहे हैं। ये चंपा दिल्ली प्रदेश के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी के दिशा निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना दिवस का ये पखवाड़ा चल रहा है, इसके अंदर सभी कार्यकर्ता बंधु पूरे दिल्ली प्रदेश के आज जगह जगह घाटों पर यमुना स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम एक संदेश देना चाहते हैं दिल्ली की इस बूढ़ी बहरी सरकार केजरीवाल जो रुपया के रूप में दिल्ली में आया है, इसने करोड़ों रुपया दिल्ली की यमुना की सफाई के नाम पर हजम कर लिया, लेकिन अभी तक यमुना साफ नहीं है। आपने देखा अभी छठ पर्व के ऊपर किस प्रकार से यमुना में झाग उठ रही थी और लोग उसके अंदर खड़े होकर के हमारे पूर्वांचल वासी किस तरह से आलती और वो अपना पूजा कर रहे थे। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि यमुना नदी, गंगा यमुना सब के किनारे जाते हैं तो कुछ बैठने की इच्छा करती है, लेकिन आप यहाँ हालात ये देख रहे हो कि यहाँ पर आप बैठ नहीं सकते। अरे नहीं चलानी अभी, पसीना से पत्थर से पॉल्यूशन से नदी करने की। कल हम जिले के पदाधिकारी, मेरे साथ जिले के दोनों महामंत्री करण जी, संजीव सिंह जी, हम यहाँ पर आए थे कल ठीक दो बजे दोपहर में। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर इस कोने से लेकर उस कोने तक इतना कचरा पूरा पड़ा हुआ था, उसको फिर
दिल्ली नगर निगम में बोलकर महापौर जी, उपमहापौर जी और यहाँ हिमांशी पांडे जी जो जोन चेयरमैन थी, उनके माध्यम से आज सुबह यहाँ से 2-3 ट्रॉली कचरा उठवा करके साफ कराया। उसके बाद भी यहाँ पर आपने अभी जब आए तो देखा कितना कचरा था, यहाँ खड़ा होना दूभर हो रहा है, कितनी बदबू आ रही है यमुना के पानी से, पीने की तो बात ही छोड़ दें, हम यहाँ पर आकर के इसमें स्नान भी नहीं कर सकते। ये केजरीवाल जी अभी लगातार 7 साल से मुख्यमंत्री है, वो उन्होंने वादा किया था कि हम दिल्ली को पेरिस लंदन बनाएंगे। आज यमुना की सफाई पेरिस लंदन की तो हो नहीं पाई है, पर उसने एक बहुत अच्छा काम किया है जिसका परिणाम वो शायद नरक में भुगतेंगे। उन्होंने इस यमुना जी को नाला बना दिया है, यमुना मैया की पूजा करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु दिल्ली में आते हैं, तटों पे उसकी कोशिश करते हैं कि हम उसको साफ रख सकें। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मयूर विहार जिला के कार्यकर्ताओं ने एक छोटा सा प्रयास किया है, आज ये घाट आप देख रहे हैं, इस घाट की सफाई आज मयूर विहार जिला के कार्यकर्ताओं ने पिछले लगातार 2 दिनों में की है। ये सिर्फ 2 दिन का प्रयास है, केजरीवाल जी ने जो है इसको बिल्कुल ही नाला बना दिया है। हम चाहते हैं ऐसे भ्रष्ट, पाखंडी, चोर मुख्यमंत्री को दिल्ली से बाहर निकाला जाए। पीछे 15 साल कांग्रेस ने यमुना को बर्बाद किया, 7 साल से ये केजरीवाल सरकार ने यमुना को पहले से ज़्यादा नाला बना दिया। आप मेरे साथ चलो, आप उठाओगे तो नाले से भी गंदी यमुना है। हमें बहुत शर्म आती है, हम राजधानी के निवासी हैं और हम अपनी यमुना मैया को साफ नहीं कर पा रहे। हमें, हम जब कभी यमुना किनारे आते हैं और अपने घर जाते हैं तो रात को सो नहीं पाते, कहते हैं कि हम कैसी दिल्ली में रह रहे हैं, कैसी सरकार दिल्ली में चुन के आई है जिसने यमुना जी को एक नाले से भी बदतर तब्दील कर दिया। मैं यमुना मैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ऐसे गंदे और भ्रष्ट आदमी को आप दिल्ली में कैसे रहने दे रही हैं? कोई ऐसा चमत्कार करो कि ऐसे ये भ्रष्ट और जो एडवाज आदमी जो यमुना के नाम पे भी कितने ऐड दे चुका होगा, उतने पैसे अगर ये यमुना की सफाई में लगा देता तो यमुना इससे अच्छी दिख जाती। और सुबह से ही हमारे, कल से ही हमारे कर्मचारी यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर सफाई अभियान में हमारा साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जो दिल्ली की भूमि सरकार है, जो सरकार है वो भूमि है, जिसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा ना दिखाई दे रहा है, उसने यहाँ पर दिल्ली का क्या हाल कर दिया वो तो मुझे मालूम है, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैं अपने दिल्ली वासियों से यही अपील करना चाहूंगी कि आप ही लोग मिलजुल कर इस गंगा को, यमुना को साफ रखें, ताकि हम लोगों का, हमारा दिल्ली का लोग जो बाहर से घूम आते हुए ये ना कहें कि दिल्ली में लोगों को साफ रखें।